पंजाब के फजिलका में पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था चालू कर दी है। दरअसल फजिलका एक सरहदी इलाका है जहां पंजाब राजस्थान के साथ भारत पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, जिसके चलते आए दिन ड्रग्स स्मगलिंग के मामले सामने आते रहते हैं। कई नशा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर ड्रग्स लाने में कामयाब भी रहते हैं। पंजाब में अब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के जरिए पुलिस की नज़र पैनी रहेगी। इस सिस्टम के जरिए मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग ना होने के बावजूद भी टोल फ्री नंबर 112 पर पुलिस को शिकायत की जा सकती है। फजिलका SSP केतन पाटिल ने बताया कि इस सिस्टम को शुरू करने के लिए टोल फ्री नंबर 100 को बदलकर 112 कर दिया गया है। साथ ही इस सिस्टम का ट्रायल भी हो चुका है और जल्द ही इस सिस्टम को शुरू कर दिया जाएगा। पहले 100 नंबर एक इमरजेंसी नंबर था, अभी इसको कन्वर्ट करके 112 नंबर ये इमरजेंसी जो टोल फ्री नंबर आम जनता के लिए मुहैया किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम एक प्रोजेक्ट के तहत पूरे स्टेट के जो कॉल है मोहाली एक जगह पे सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में आएगा, उसके बाद वो डिस्पैच किया जाएगा। इसका जो बेनिफिट ये ऐसा कि पुलिस के अलावा जो फायर सर्विसेज है, हेल्थ और एनी अदर जो इमरजेंसी प्रॉब्लम्स है, इसका जो एक रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए इस नंबर का एक फ़ायदा होगा। और एक सेंट्रलाइज कॉल जो ना कि डिस्पैच सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है, एंड ये जो जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो कम से कम टाइम में विद इन शॉर्ट टाइम में वो पहुँचाने के लिए इस नंबर का फ़ायदा होगा। इसकी जो अभी ट्रायल चल रही है कुछ ही दिनों में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और एक सिक्योर नेटवर्क है, इसके वजह से उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं।